हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी दोस्त बढ़िया होंगे। और दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है GSP Tech। और मैं गोविंद आज आपके लिए लेकर आया हूँ सोनी का वन बॉक्स म्यूजिक सिस्टम, जो कि एक पार्टी सिस्टम है और ये आउटडोर में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है, जिसका कि मॉडल नंबर है MHC V73D। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, फिजिकल ओवरव्यू और लास्ट में एक बार इसका साउंड टेस्ट जरूर करेंगे, वो भी आउटडोर में। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको एक एक चीज़ इसके बारे में पता चल जाए कि किस तरीके से वर्क करता है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो आइए वीडियो को देखते हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये इसकी बॉक्स पैकिंग है, जिसमें कि इसका मॉडल नंबर वगैरह मेंशन किया गया है, साथ ही साथ इसमें जो जो फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि आपका ब्लूटूथ है, NFC है, क्लियर ऑडियो प्लस का सपोर्ट दिया गया है, साथ ही साथ डॉल्बी ऑडियो और LDAC का सपोर्ट भी मिल जाएगा। इसके अलावा जो है HDMI MP3 DVD प्लेयर भी, ये DVD भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, तो इसको आप अपने iOS एंड्रॉयड फ़ोन के द्वारा और जो है साथ ही साथ एप्पल के द्वारा भी कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए कि एप्लीकेशंस दी गई हैं आपकी, म्यूज़िक सेंटर एप्लीकेशन वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बारे में भी हम थोड़ी बहुत बात कर लेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा इसमें बॉक्स में क्या, मतलब इस इनबॉक्स क्या क्या कंटेंट मिलता है, साथ ही साथ इसकी MRP मेंशन करी गई है, जो कि है 53,990 रुपीज़। इस समय आपको जो है 45,000 का इस समय कॉस्ट कर रहा है। इसके अलावा कुछ फीचर्स इसमें और मेंशन किए गए हैं, जो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉक्स पे। आप कई सारे स्पीकर्स आपस में कनेक्ट कर सकते हैं वायरलेस पार्टी चेन के द्वारा। साथ ही साथ जो है इसमें फीस्टाबेल का भी सपोर्ट दिया गया है, जिसमें कि आप जो है मोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं आपके फ़ोन में, अगर जायरो सेंसर दिया गया है तो। कराओके का भी इसमें सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि इसमें माइक और जो है गिटार का भी ऑप्शन दिया गया है। पार्टी लॉक का फीचर दिया गया है और स्प्लैश प्रूफ पैनल होने की वजह से जो है आप इसमें ऊपर टॉप क्लीनिंग भी कर सकते हैं, तो उसके बारे में जो है बॉक्स पर ही दिखाया गया है। फीचर्स काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं आपको सोनी के इस सीरीज़ में। आप MSC सीरीज़ का कोई भी म्यूजिक सिस्टम उठा के देख लीजिए, उसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे। बॉक्स हमने ओपन कर लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका जो म्यूज़िक सिस्टम है, इसका रिमोट है, कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। फुल फंक्शन रिमोट कंट्रोल है, हालांकि इसकी ज़रूरत बहुत कम महसूस होती है, लेकिन दिया गया है क्योंकि आपको पार्टी म्यूजिक सिस्टम है तो दूर से ऑपरेट करना पड़ सकता है इस वजह से। साथ ही साथ जो है इसमें आपको यूज़र मैनुअल और जो है आपको एक FM कॉर्ड मिल जाएगी, FM एंटीना कॉर्ड मिल जाएगी, 2 AAA साइज़ बैटरी मिल जाती हैं जो कि रिमोट के लिए हैं। ये आप देख सकते हैं, रिमोट मैंने बाहर निकाल लिया है, लुक काफ़ी बढ़िया रहता है ऑलवेज हमेशा की तरह, तो इसमें कोई शिकायत नहीं है, बहुत बढ़िया दिखाई देता है। और ये बाकी बॉक्स एसेसरीज जो इसमें आपको मिलने वाली हैं वो आप देख सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों म्यूज़िक सिस्टम की, तो आप ये देख सकते हैं म्यूज़िक सिस्टम का फर्स्ट लुक, ऊपर से पूरा ग्लास फिनिश में दिया गया है, टच पैनल है और काफ़ी अट्रैक्टिव लुक लगता है देखने में, आप देख सकते हैं। और ये आपकी डिस्प्ले दी गई है और साथ ही साथ जो है साइड में आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, जिसमें कि आप पेन ड्राइव और जो है माइक और गिटार इंसर्ट कर सकते हैं, उसका यहाँ पे जो है ऑप्शन मिल जाएगा आपको। इसके अलावा पूरे पैनल पे जो है आप देख सकते हैं अलग अलग कीज़ दी गई हैं, फेदर टच उसमें। इसके अलावा एक बार लीफलेट पे इस पर नज़र दौड़ा लेंगे कि इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। जैसा कि आपको दिया गया है साउंड, हर डायरेक्शन में आपको साउंड मिल जाएगी, इवन लाइट मिल जाती है, ओमनी डायरेक्शन लिखा हुआ है साउंड के लिए, और वो लाइट भी जो है आपको हर एक डायरेक्शन मिल जाएगी। इसके अलावा अगर मैं बात कर लूँ आपके कीज़ ऑप्शन की, तो इसमें पार्टी लाइट, फीस्टा, मेगा बास ऑन ऑफ करने का और वायरलेस पार्टी चेन का ऑप्शन मिल जाएगा, साथ ही साथ ब्लूटूथ के लिए यदि आपको पेयरिंग करनी है तो थोड़ी देर से प्रेस करके रखिएगा। फंक्शन की दी गई है, गेस्चर ऑन ऑफ का दिया गया है, साथ ही साथ प्लेबैक, DJ और सैम्पलर और कराओके का भी ऑप्शन दिया गया है गेस्चर मोड पर, तो आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो नॉर्मल कीज़ होती हैं, इसके अलावा एक बहुत यूनिक फीचर इनमें सिस्टम्स में आता है, जो कि है टाइको फीचर, जिसमें आपको टाइको का ऑप्शन मिल जाता है। आपका जो ये टॉप पैनल है, ये एज ए ड्रम बिहेव करता है उस दौरान। साथ ही साथ आप देख सकते हैं, मैंने एक बार इस सिस्टम को ऑन कर लिया है और लुक काफ़ी अच्छा लग रहा है। लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूं, तो लास्ट ईयर जो है सिलेंड्रिकल शेप में आता था, इस साल थोड़ा सा पिरामिड टाइप का लुक देने की कोशिश करी है कंपनी ने, नीचे से थोड़ा सा बड़ा किया गया है, क्योंकि बेस जो आपका सबवूफर दिया गया है वो थोड़ा बड़ा है इस वजह से। और ये इसके जो है DVD ट्रे है, आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ
चार ट्विटर दिए गए हैं टॉप में, दो आपको फ्रंट में मिल जाते हैं और दो जो है बैक साइड में दिए गए हैं। साथ ही साथ मिड रेंज स्पीकर बीच में मिल जाएंगे आपको, ये आप देख सकते हैं। लाइटनिंग के द्वारा बहुत अच्छा एम्बियंस बनता है इवनिंग में और नाइट में, और आप ये देख सकते हैं इसका सब बुफर काफ़ी बढ़िया, अराउंड मेरे ख्याल से 12 इंच के करीब है। और ये आपको बेस बूस्टर मिल जाते हैं, साथ ही साथ फ्लोर लाइटनिंग भी दी गई है। और साइड की अगर मैं बात करूँ तो साइड में भी आपको जो है माइक होल्डर दिया गया है, जैसा कि V43D में आता है सेम वैसे ही इसमें दिया गया है। RGB लाइट्स दी गई हैं जो कि आपके ग्राउंड में थोड़ा सा DJ इफेक्ट्स के लिए दी गई हैं। और ये देख सकते हैं आप दूसरी साइड भी सेम उसी तरीके से जो है आपको माइक होल्डर और RGB लाइट्स मिल जाती हैं साइड में अगर मैं बात करूँ तो। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं इसके बैक साइड में, तो बैक साइड में आप देख सकते हैं दोनों साइड भी ट्विटर दिए गए हैं, यानी कि चार ट्विटर दिए गए हैं इसमें, दो फ्रंट में और दो बैक में। और इसके अलावा ये आप देख सकते हैं स्पीकर्स को बैक साइड से ओपन रखा गया है, और यहाँ पे भी कुछ सॉकेट्स वगैरह दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको जो है HDMI ARC इनपुट मिल जाती है, इसके अलावा जो है आपको TV ऑडियो इन मिल जाता है जिसे कि आप 3.5 mm जैक द्वारा जो है इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ FM एंटीना का ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, और ये आप नीचे देख सकते हैं इसकी लाइटिंग दी गई है बैक साइड के लिए। इसके अलावा बात कर लूँ नीचे तो आपको पावर कॉर्ड लगाने का इसमें ऑप्शन मिल जाता है नीचे, साथ ही साथ ट्रॉली के लिए दो जो है व्हील्स भी दिए गए हैं बॉटम में, तो ये भी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। आपको थोड़ा सा टिल्ट करना होता है म्यूज़िक सिस्टम को, और इसे एज ए ट्रॉली आप यूज़ कर सकते हैं। हैवी होने की वजह से आपको दिया गया है, हालांकि इतना हैवी नहीं है लेकिन हाँ काफ़ी हैवी है अपने सेगमेंट के हिसाब से। और ये सिस्टम जो है आउटडोर के लिए बहुत ही जानदार सिस्टम है दोस्तों, क्योंकि मैंने इसको जो है टेस्ट भी इसी वजह से जो है इस वीडियो में आउटडोर का ही किया है, क्योंकि इसकी जो आउटडोर क्वालिटी है साउंड परफॉर्मेंस है काफ़ी लाजवाब है। आप एक बार सुन के मुझे ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अधिक से अधिक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिएगा और नोटिफिकेशंस को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको जो है इंस्टेंट मिलती रहे। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, शेयर करना ना भूलिएगा बिल्कुल भी। इस म्यूज़िक सिस्टम की खासियत यह है दोस्तों कि यदि आप आउटडोर में पार्टी इंजॉय करना चाह रहे हैं तो इस म्यूज़िक सिस्टम को आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त साउंड के साथ आता है। और मैंने जो खुद एनालाइज़ करा है, खुद फील करा हुआ है, मैंने ओपन एरिया में रखा हुआ था इसे, और यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छी साउंड डिलीवर करी है इसने। और आइए हम भी एक बार जो है इसकी साउंड सुनते हैं, साउंड परफॉर्मेंस हमें किस तरीके से मिली है आउटडोर में। आप इसकी साउंड इंजॉय कीजिए, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।